नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं एमएस एक्सेल की सीरीज के अंतर्गत सम फार्मूला। सम फार्मूलों का यूज़ डेटा रेंज को सिलेक्ट कर टोटल करने के लिए हम करते हैं, और 2003 के अंतर्गत सम फार्मूला का यूज़ क्राइटेरिया लिमिट था, लेकिन 7 और इसके बाद के वर्जनों में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा, और उसमें टर्म कंडीशन लगा करके डेटा को बहुत ही आसानी से फाइंड करने की सुविधा भी दी गई। तो आज हम सम के सभी ऑप्शंस देखते हैं। यदि हम सम की बात करें, जब हम यहाँ पर सम फार्मूला असाइन करते हैं, तो आप देखेंगे कि सम के साथ ओनली सम ना करके सम, समिफ, समिफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, सम एक्स टू माई टू, सम एक्स टू पी वाई टू और सम एक्स एम वाई टू, इस प्रकार से दिए गए हैं। हम एक के बाद एक को समझते हैं किस प्रकार से हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो अपने स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए, मैंने कुछ डेटा रेंज यहाँ पर बना रखा है, जिसके आधार पर हम समझते हैं सम फार्मूला। यहाँ पर सबसे पहले हमने बना रखा है डेटा सीट, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले लिया बुक नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। हमने बुक का जो नाम है वो डीसीए की, माना कि हमारे पास बुक है, उसकी क्वांटिटी 10 पीस हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके बाद उसका रेट हमने दे रखा है 120। अब हम इसका अमाउंट कैसे निकालें, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको असाइन करना है इक्वल, इसके बाद सेल एड्रेस, सेल एड्रेस C3 हमने यहाँ पर दिया, इसके बाद इनटू हम करते हैं और D3 करते हैं। यदि हम क्वांटिटी इनटू रेट करते हैं तो अमाउंट निकल जाता है, वही फार्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट निकालने के बाद हम चाहते हैं कि जो अमाउंट हुआ है उसका हम टोटल ज्ञात करें। टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो है इक्वल सम। आसानी से हम यहाँ पर सम असाइन कर सकते हैं। सम लिखा, शिफ्ट के साथ में हम 9 वाला बटन प्रेस करेंगे, इससे कोष्टक असाइन करेंगे। कोष्टक असाइन करने के बाद आपको यहाँ पर देना है नंबर या सीरीज, तो हम यहाँ पर सीरीज देते हैं या ये नंबर देते हैं। तो सीरीज यहाँ पर हमने दिया E3 से E7 तक। अब हम यहाँ पर कोष्टक को बंद करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये टोटल यहाँ पे आ चुका है 8700। यदि यहाँ पर अमाउंट में कोई डिफरेंट रहता है या क्वांटिटी में तर आता है, जैसे हम 20 की जगह 20 करके देखते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं कि 10500 टोटल हो गया है। यानी क्वांटिटी बढ़ते ही इसका अमाउंट बढ़ चुका है, और एग्रीगेट टोटल में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से हम सम फार्मूला का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और कोई भी अमाउंट या कोई भी वैल्यू जिसका टोटल हमें करना होता है वो हम कर सकते हैं। चल, लेकिन ये बहुत इजी था। अब हम अगला देखते हैं सम के साथ में इफ़ कंडीशन अपने आप में बहुत उपयोगी हैं। अभी हम देख रहे हैं सम के साथ में इफ़ का प्रयोग करना। इफ़ को हम पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ेंगे, इफ़ के कई फार्मूले हैं, लेकिन सम के साथ में इफ़ का प्रयोग कैसे करें। इफ़ हिंदी में कहें तो यदि, यानी सम के साथ, सम तो करे जोड़े तो सही, लेकिन उसके साथ में टर्म कंडीशन लगाते हुए कि हमें किन का टोटल करना है। चलिए देखते हैं हम इसको। हमें यहाँ पर पर्टिकुलर चाहिए कि डीसीए पीजीडीसीए में हम जिसका भी टोटल निकालना चाहें वो हम निकाल लें। तो पहले तो मैं टोटल सभी का टोटल कर लेता हूँ यहाँ पर, तो बहुत आसान है। इक्वल सम हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है हमारा इसका, वो हम यहाँ पर देते हैं, ये हमने दे दिया। इससे समीप का कोई संबंध नहीं है। ये तो हो गया टोटल 17400। लेकिन अब हमें पर्टिकुलरली कोई कोर्स असाइन करना, माना है कि हमें डीसीए का जो है कि टोटल देखना है कि टोटल डीसीए का अमाउंट कितना है। चलिए अब हम यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन इक्वल सम के साथ में हम लगाते हैं इफ़, यहाँ पर हम लगाते हैं कोष्टक, इसके बाद हम देते हैं रेंज।
रेंज के अंतर्गत हमें सिलेक्ट करना होगा जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे मैं इन जो बुक्स हैं, ये डीसीए पीडीसी की सारी बुक्स हैं, इन बुक्स में से हमें पर्टिकुलरली निकालना है डीसीए पीडीसी का जिसका हम निकालना, तो पूरी रेंज को हम यहाँ पर देते हैं, कॉमा असाइन करते हैं जैसा नीचे स्टेटमेंट में आ रहा है। क्राइटेरिया जो कंडीशन हमें लगाना, हम अब हमें क्राइटेरिया में असाइन करना माना का डीसीए, तो हम यहाँ पे असाइन करते हैं डीसी। फिर हम कॉमा असाइन करते हैं सम रेंज, सम की रेंज देना है तो हम यहाँ पर सम की रेंज असाइन करते हैं। ये हमने सम की रेंज लिया E11 से E20 तक का। अब हम कोष्टक बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल है वो डीसीए का है 2400 रुपये, जो टोटल बुक डीसीए की हमने ख़रीदी है। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं ये क्या वाकई में सही बताया इसने। तो एक डीसीए यहाँ पर टोटल आ रहा है 1200 रुपये, और एक और यहाँ पर डीसीए है टोटल आ रहा है 1200, दोनों का यहाँ पर हुआ 2400। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम अभी जैसे हमने डीसीए निकाला, हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं असाइन करूँ बीसीए तो बीसीए आ जाए, बीसीए का टोटल बता दे। यहाँ मैं असाइन करूँ एमएससी तो एमएससी का आ जाए, यानी जो भी हम यहाँ पर असाइन करें उसका टोटल आ जाए। तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूला को हम डबल क्लिक करके फिर एक्टिवेट करते हैं, और जो यहाँ पर डबल लिमिटेड कोटेशन चिन्ह के अंतर्गत हमने असाइन किया है, चूँकि ये पर्टिकुली एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट डेटा है, तो जो डेटा हमने टेक्स्ट बेस दिया है वो ना देते हुए हम एक सेल का एड्रेस दे देते हैं, और सेल का एड्रेस हम ये असाइन करते हैं जिसमें हमने कोर्स को लिखा है। तो ये G15 हमने इसका एड्रेस दिया। अब हम एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये BCA दिया है, तो BCA का टोटल बता रहा है 3600 रुपये। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं DCA। अब देख पा रहे हैं ये हो गया 2400 रुपये, ठीक है। यदि आप यहाँ पे असाइन करते हैं MSC, अब देखेंगे कि उसका टोटल यहाँ पे आ गया। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिस कंडीशन के अनुसार आप निकालना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर सम कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, इसीलिए इस फार्मूला का नाम है सम इफ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब हम यहाँ पर कंडीशन को बढ़ाना चाहते हैं कि DCA और उसकी क्वांटिटी, यदि यहाँ पर क्वांटिटी DCA की 5 है और यहाँ पर 10 है, लेकिन हम सिर्फ अमाउंट निकालना चाहते हैं क्वांटिटी 5 का, तो हम वो निकाल सकते हैं। चलिए अब हम उसको देखते हैं। वो फॉर्मूला कहलाएगा हमारा सम इफ्स। इफ्स के अंतर्गत नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर कई कंडीशन लागू होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है सम इफ्स। तो सम इफ्स का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सम इफ्स के लिए भी हम दो सेल एड्रेस ले लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर लिख देते हैं बुक नेम कि कौन से सब्जेक्ट की बुक है, और दूसरा हम उसकी क्वांटिटी जैसा ऊपर लिया गया है सेम मैं ऐसा कैसा साइन कर देता हूँ, और अमाउंट ये हमने पहले से बना लिया था कि क्या क्या चीज़ हमें रखना है, इसलिए बाकी का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए अलग से ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम असाइन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ निकालना, जिस एड्रेस में निकालना है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। इक्वल सम इफ का प्रयोग करेंगे, टैब बटन प्रेस करना, इफ्स आ जाएगा। सबसे पहले देना है सम रेंज, किसका हमें सम करना है, इसमें उल्टा होगा, इसमें पहले हमने दिया था क्राइटेरिया, इसमें देना है सम रेंज। तो सम रेंज हम यहाँ पे देते हैं, ये हमारी सम रेंज हो गया। इसके बाद कॉमा लगा करके क्राइटेरिया रेंज देना है। तो क्राइटेरिया, अब देखिए यहाँ पर रेंज दिया है और यहाँ पे क्राइटेरिया 1 दिया है, तो ये सेंटेक्स के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो कहीं कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो क्राइटेरिया रेंज हम देते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारी है बुक नेम की। यहाँ पे डीसी पीजीडीसी भी बुक कोर्स ऐसे देखा जाए तो कोर्स है, लेकिन हमने बुक के आधार पर लिया कि डीसी की बुक, पीजीडीसी की बुक, हमने पर्टिकुलर प्रकाशन प्रकाशक का या अन्य बुक का ऐसा नाम नहीं लिया है, कोर्स के अकॉर्डिंग उसको बुक को असाइन किया है। चलिए तो क्राइटेरिया हमने दिया, इसके बाद अब हमें देना है, ये तो क्राइटेरिया रेंज हो गया, अब हमें देना क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में हमने दे दिया माना कि डीसी है, या तो हम यहाँ से डीसी सिलेक्ट कर लें, या यहाँ से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप सेम जिस प्रकार ऊपर हमने किया था उसी प्रकार यहाँ का क्राइटेरिया दे दें।
यहाँ क्राइटेरिया मीन यहाँ पर जो भी आप देंगे उस क्राइटेरिया को वो देखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्राइटेरिया रेंज हमारी जा चुकी है, यहाँ पर सम रेंज आ रहा है तो हम क्राइटेरिया रेंज लेते हैं, फिर कॉमास लगाते हैं, फिर लगाते हैं हम क्राइटेरिया, फिर कॉमा लगाते हैं, अब हम देते हैं क्राइटेरिया रेंज टू। तो रेंज टू में हमने ले लिया, माना कि क्वांटिटी हम असाइन करना चाहते हैं तो क्वांटिटी की रेंज लेंगे, फिर कॉमा असाइन करेंगे, फिर क्राइटेरिया लेंगे। इस प्रकार से जितनी चाहें उतनी रेंज ले सकते हैं, उतना उनका क्राइटेरिया आप असाइन कर सकते हैं। बस अब हमें दो ही कंडीशन यहाँ पे लगानी है, आप उससे ज़्यादा लगाना चाहें तो इफ्स फार्मूला है, यानी आप कई फार्मूला यहाँ पे कई कंडीशन यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। हमने दो कंडीशन लगाई, कंडीशन हमारी ये है कि DCA की बुक, उसमें हम क्वांटिटी देते हैं कि 5 बुक वाला जो टोटल आया है वो कितना आया है, 10 बुक वाला यदि हम चाहते हैं तो वो कितना आया है, 20 बुक वाला चाहते हैं वो कितना आया है, ऐसी हमारी कंडीशन है। आप अपने कार्य के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एंटर करते हैं, यहाँ पर अभी ये 0 बता रहा है, मैं असाइन करता हूँ यहाँ पर DCA की बुक, DCA का 5 बुक का जो अमाउंट है वो कितना आया है, आप देख पा रहे हैं 600 रुपये अमाउंट है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, क्वांटिटी हमने दे दिया 10, अब 10 का बता रहा है ये 1200 रुपये, हम क्रॉस चेक करते हैं, 10 क्वांटिटी से अमाउंट 1200 रुपये, इसके अलावा कहीं DCA की 10 क्वांटिटी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर देते हैं BCA का कितना हो रहा, तो BCA का ये 3600 अमाउंट बता रहा है, चलिए हम चेक करते हैं, BCA 1800 ये हो गया, BCA 10 बुक ये हैं, 1800 ये दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी की कंडीशन देखकर क्वांटिटी का 20 प्लस नहीं करेगा कि 10 और 10 20 हो गया है, तो ऐसा नहीं है, ये 10 और 10 दोनों का टोटल को जोड़ेगा और बता देगा। यदि यहाँ से BCA में इस 10 का क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है, आप देखेंगे कि अमाउंट भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इस प्रकार की क्वांटिटी या जो भी दो कंडीशन है दोनों कंडीशनों को चेक करके फिर टोटल करता है, इसीलिए। और दो ही नहीं, यहाँ पर आप जितनी चाहें कंडीशन लगा सकते हैं, बहुत अच्छा फार्मूला है, फार्मूला का लगेगा हमारा सम इफ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है सम प्रोडक्ट, सम के साथ में प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करें। कई बार हमारे साथ में समस्या आती है कि हमें टोटल निकालना रहता है और उसका ग्रैंड टोटल निकालना रहता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर फार्मूले में ऊपर के डेटा में किया था, वही डेटा हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। हमने यहाँ पर DCA की 5 बुक 120 के रेट के आधार पर इसका अमाउंट ज्ञात किया हमने, तो अमाउंट बता रहा है 600 रुपये। अब हम अलग अलग प्रकार की बुकें हमने परचेस की, अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसका टोटल आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो हमारा वो ये है कि हमने यहाँ पर क्वांटिटी असाइन किया, रेट असाइन किया, फिर यहाँ पर निकालने के लिए दोनों का इंटू किया और यही फार्मूला सभी पर लगाया। हम देखते हैं कैसे हमने निकाला, मैं अभी यहाँ पर पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ, ये हमने डिलीट कर दिया, क्वांटिटी दिया और रेट दिया। अमाउंट निकालना है तो हमने लगाया इक्वल क्वांटिटी इनटू हमने किया रेट, हमारा अमाउंट आ गया। सभी का निकालना है तो हम क्या करते हैं, सब इसको सिलेक्ट करते हैं, उसकी सीरीज को जनरेट करते हैं, तो किसी भी सीरीज को आप जनरेट कर सकते हैं, तो ये क्लिक करेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको स्टेटमेंट निकालने वाली जो है कि वीडियो में ये बताया है कि किस प्रकार से सीरीज जनरेट करें, यदि आपने भी हमारी वीडियो पुरानी नहीं देखी है तो एक बार उसे अवश्य देखें। चलिए अब हम नहीं ये टोटल निकाल लिया, अब हम इसका ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ इक्वल सम कोष्टक और उस सीरीज को हम देते हैं यहाँ पर, यदि हमने सीरीज कोष्टक बंद करते हैं, एंटर करते हैं, ये आ गया 16800, लेकिन हम चाहते हैं कि इधर का अमाउंट ना निकालना पड़े और उसके बिना टोटल निकाल जाए, बोले तो कैसे संभव है ये, इसको तो निकालना ही पड़ेगा तभी तो टोटल होगा, ये बिल्कुल संभव है और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट।
देखते हैं कैसे। इक्वल सम प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर दे रहा है रेंज, सॉरी अरे फर्स्ट अरे सेकंड। तो अरे यदि आप प्रोग्रामिंग भाषा जानते हैं तो उसके अंतर्गत हम अरे का यूज़ करते हैं, मेमोरी वेरिएबल, और उसके बाद हम अरे में मेंशन करते हैं। तो अरे के अंतर्गत डेटा को रो और कॉलम के आधार पर मेंशन किया जाता है। यहाँ पर भी सेम वही है, क्योंकि हमारा ये कॉलम है और इस कॉलम के अंतर्गत ये रो के अंदर डेटा है। तो रो और कॉलम के आधार पर डेटा को मेंशन किया, और ये डेटा जो असाइन किया गया वो है वन डायमेंशन अरे के रूप में। तो चाहे वो वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन हो, लेकिन है तो अरे। तो यहाँ पर अरे को सिलेक्ट करना है, तो अरे रेंज में हमें एक डेटा सिलेक्ट नहीं करना है, हमें एक से ज़्यादा को करना है, जितने भी निकालना हो। एक निकालना तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें ज़्यादा प्रोडक्ट का टोटल निकालना है। तो हमने अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, कॉमा हम असाइन करते हैं, और फिर हम देते हैं रेट को। बस इतना ही आपको करना है, दोनों को सिलेक्ट करके। अब आपको कोई इंटू नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बाकी का काम करेगा सम प्रोडक्ट। क्रॉस चेक कर लीजिए, टोटल हमने किया था 16,800। अब हम वही अमाउंट देख रहे हैं 16,800। यहाँ पे यदि क्वांटिटी चेंज होती है, देखिए 18,000 हो गया। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आते हिसाब से कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है हमारा सम एस क्यू। सम भी है और उसके साथ में एस क्यू भी, एस क्यू यानी स्क्वायर मान। हमें यदि सीरीज का स्क्वायर मान निकालना हो या कोई भी नंबर का स्क्वायर मान निकालना हो और उसका टोटल करना हो, बहुत अच्छा फार्मूला है सम एस क्यू। क्या करना होगा, यह निकालना है, माना कि हमें इक्वल असाइन करते हैं सम एस क्यू कोष्टक नंबर फर्स्ट कोमा नंबर सेकंड, कोष्टक को बंद कर देना है, एंटर करना है। ये देखिए दो दूनों चार, चार और चार आठ। हम यहाँ पर सीरीज भी दे सकते हैं, ये देखिए दो दूनों चार, चार दूनों, ये तो आठ आ गया। यदि आप अगला असाइन करते हैं दो और इधर देते हैं तीन, ये देखिए अब 21 कैसे हो गया, आठ तो यहाँ तक हो गया था, फिर उसमें चार और इधर के छः, तो आठ में फिर चार जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर जो आप वैल्यू असाइन करेंगे उनका स्क्वायर मान निकालेगा, स्क्वायर मान निकालने के बाद उनको टोटल करेगा। इस प्रकार से एग्रीगेट टोटल करके यहाँ पर बता देगा फर्स्ट रेंज का, इस सेल एड्रेस का, इस सेल एड्रेस का स्क्वायर मान और फिर टोटल। इस प्रकार से आप सम के साथ में एस क्यू स्क्वायर का प्रयोग करके उनका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आठ ऊपर का हो गया, आठ जगह हो गया, 16 हो गया, यदि उसमें मान बढ़ता है तो 21 यहाँ पे आ रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम एस क्यू का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अब इसमें टोटल किया, अगला फॉर्मूला हमारा आता है सम के साथ में सम x2 my2। ये जिस प्रकार से प्लस करता है, इसी प्रकार से ये फॉर्मूला माइनस करता है। देखते हैं, हमें असाइन करना है सम, फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, इसके बाद हम देते हैं अरे रेंज। हमने माना कि यही रेंज इसके दे दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, सेकंड रेंज देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। दो दूने चार और चार में से एक गया, कितना बचा, तीन। हम इसका दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, हमने इधर असाइन किया पाँच और इधर असाइन कर देते हैं हम दो।
चलिए अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर निकाला, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का 5 में इंटू करें आप, वजन 25 ये हो गए, 2 दूने 4, 25 में से 4 गए, ये देखिए 21 बचे। तो यहाँ पर ये माइनस को लागू करता है, ये जिस प्रकार प्लस करता है एसक्यू, इसी प्रकार ये माइनस करता है। इस प्रकार सम फार्मूला का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और डेटा सीट के अंतर्गत उसका जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। साथियों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।